अभी आप देखिए कि कितना इकोनॉमिक्स बढ़ा है कि मैंने बजाज की स्कूटर मोटरसाइकिल लॉन्च की तो एक पेट्रोल पर चलती है तो पर किलोमीटर कॉस्ट आती है 2.25 रूपये और सीएनजी पर चलती है तो 1 रूपये आती है। यानी 60% कॉस्ट फ्यूल में बचाना यानी कितनी बड़ी बात है। और अगर हम इलेक्ट्रिक को यूज करेंगे तो और कम हो जाएगी, तो पावर कॉस्ट कम करेंगे तो कैपिटल कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। दुर्भाग्य से हमारे यहां गवर्नमेंट में और डीपीआर बनाने वालों को कोई लेना देना नहीं, किसी का पैसा है बनाओ एस्टिमेट, फिर उसको समय पे काम मत करो, फिर उसको ईओटी दो, फिर सीओएस दो। डीपीआर वाले गलतियां करता है, हम सीओएस देते जाते हैं, 100 रूपये का काम 400 रूपये में करते हैं। तो ये जो शुरुआत से लेकर जो टेक्निकली हमें परफेक्शन चाहिए उसका आग्रह मुझे लगता है ये पहली आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग इसमें नए प्लेयर्स आएंगे उनके लिए हमने 10% मोबिलाइजेशन एडवांस है, वक्त आएगा तो उसके लिए भी कंसीडर करना पड़ेगा ताकि वो अच्छी मशीनरी ले सके। मैं आपको बताता हूं, मैं जब मंत्री था 96 में तो मुंबई में 55 फ्लाईओवर बने, तब रेडीमिक्स कॉन्क्रीट प्लांट देश में नहीं, जर्मनी से आते थे। वो जो ट्रक पर जो मिक्सर आता था वो देश में नहीं था। और तब मुझे याद है कि मैंने पहली बार एमएसआरडीसी से फाइनेंस किया था, सिंपलेक्स करके कंपनी थी, उनको एक पाइलिंग मशीन को फाइनेंस किया था और उन्होंने पहले बाहर से एक पाइलिंग मशीन लाई और वो फ्लाईओवर के लिए गया, तो मैं वो कार्यक्रम के लिए गया था। अब तो हजारों पाइलिंग मशीन हो गई। तो कभी ना कभी एक बात आप ऐसे सेमिनार में सोचो कि वर्ल्ड में सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस में बेस्ट टेक्नोलॉजी अब कौन सी है। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी विच इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, ये करना चाहिए। हमारे यहां प्रॉब्लम है कि एक बार जो तय होता उसी मार्ग से सब जाते हैं। बोलना नहीं चाहिए पर हमारे गांव में, मैं किसान हूं, हमारे यहां घर में जानवर होते हैं तो पहला एक जानवर होता है वो एक लाइन से एक लाइन पकड़ता है, सब उसी के साथ वैसे ही जाते हैं, वो लाइन नहीं तोड़ते। सरकार में अच्छा रहे कि बुरा रहे, और कोई अच्छा करेगा तो उसको पूछे तुमने क्यों अच्छा किया, क्या जरूरत थी तुमको, तुमको कोई अवार्ड मिलने वाला है क्या, जाने दो ना पैसा, ज्यादा खर्चा हुआ तो होने दो, जैसा वैसा चलने दो, कल अगर तुमने रिस्क लिया और गड़बड़ हुई तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी। वो बोलता प्रयोग मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो। हमारे यहां इंडियन रोड कांग्रेस है तो मैं उनको कहता हूं, उनकी साल भर में एक बार मेरे को ये बोलना ठीक नहीं होता पर मेरे से भी रहा नहीं जाता, तो वो अपने पति पत्नी और बच्चों को लेकर सब सिविल इंजीनियर देश के रोड कांग्रेस में आते हैं और वो पीले कागज पर टाइपिंग किए हुए वो कंप्यूटर भी नहीं प्रिंट करते, रिसर्च पेपर सबमिट करते। और एक दिन फिर थोड़ा भी रिसर्च पेपर हो गए, फिर वो रोड कांग्रेस भी कहां होती, श्रीनगर में होती, फिर वो सब लोग घूमने के लिए भी जाते, अच्छा है जाना चाहिए। पर कोई प्रोफेशनल इसमें जो नॉन सीरियस अप्रोच से इतने बड़े काम कैसे होंगे। वी नीड पॉजिटिव अप्रोच, ट्रांसपेरेंट अप्रोच, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन तो समय पे लेते ही नहीं। मैंने एक हमारे बड़े अधिकारी को कहा, बोला आपकी तो कमाल है। बोले क्या हुआ साहब? मैंने बोला आपके जैसा व्यक्ति नहीं मैंने देखा। बोले क्या हुआ? बोला पत्नी से भी ज्यादा प्रेम आपका फाही पर है, तीन तीन छह छह महीने दबा के बैठते हो। अरे भैया जो निर्णय करना है वो करो ना, तुमको हाँ करना है तो हाँ करना, नहीं करना ना करना, एक आदत रखो कि भाई करो निर्णय जो है वो पर रखते हैं। हमारे एक बड़े अधिकारी है वो कहते हैं, उनका ऐसा है कि फाइल रख दो, ऐसा बोलते इसका मतलब सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में फाइल जमा कर दो, फाइल रख दो। वी नीड पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। आई ऑलवेज टेलिंग टू द ऑफिसर्स दैट आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो आप परफॉर्मेंस ऑडिट करो, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए पर परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और इसका कारण जो है हमको डीपीआर से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक परफेक्शन, बेस्ट टेक्नोलॉजी, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट और विदाउट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। और रीजन टू रीजन परिस्थिति अलग है।
हिमालयन टेरिन के लिए आपको अलग मशीन लगेगी, अलग अप्रोच लगेगा। जो हमारा डेक्कन बेसाल्ट है उधर अलग टाइप के है। तो जैसा जियोलॉजी है उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट चीज, अभी मेरे पास 2.5 लाख करोड़ के टनल बना है। अभी इतने टनल का काम है कि प्रॉब्लम, अच्छा हमारे डिपार्टमेंट में पैसे की कुछ कमी नहीं है, मैं और 5 लाख करोड़ की बना सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि कॉस्ट ऑफ द टनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या टनल के लिए हम कोई अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं क्या? अभी जैसे मैंने उनको कहा कि एक टनल है, उसके बजाय हम दूर से क्या कोई एलिवेटेड रोड ऐसा फ्रीज बनाकर हम उसको जा सकते हैं क्या, जिससे लैंडस्लाइड का धोखा नहीं होगा? मेरा कहना नहीं ऐसा करो मत, पर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ये हमने निकालना चाहिए। लास्ट नहीं होगा तो टनल भी बनाएंगे। अभी कंप्लीट टनल जो हुई है हमारी सरकार आने के बाद, हमने 35 टनल 49 किलोमीटर 15,000 करोड़ पूरी की है। ऑनगोइंग टनल है 69 134 किलोमीटर, ये 40,000 करोड़ की, इसका काम शुरू है। और अपकमिंग टनल 74 273 किलोमीटर, इसकी कीमत 1 लाख करोड़ है। टोटल 2 लाख करोड़ की टनल अभी पाइपलाइन में है। तो काम है, पर इसमें स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि कॉस्ट ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसलिए कॉस्ट को कम करना ये भी आपका प्रायोरिटी वाइज एजेंडा होना चाहिए। दूसरा, जो मटेरियल वहां से निकलता है वो रीयूज हो सकता है क्या रोड में? उससे कुछ कॉस्ट बच सकती है। अभी एक दो मुझे बहुत अच्छी बातें याद आई। एक बार हमने ये गोवा में, आप जाओगे तो जुवारी नदी पर एक ब्रिज बनाया था, ये पूरा हो गया, बहुत सुंदर है, 2 टावर है। तो मैं हमारे लोगों को बहुत कहा कि इसमें काम करो, दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट लगाएंगे, ऊपर में 2 व्यूअर गैलरी बनाएंगे और 1,000 रुपये का टिकट लगाएंगे। रोज 2 लाख लोग आएंगे, जहां से पूरा गोवा दिखता है, गोवा में आते हैं, तो टोल के बजाय इसी से पैसा वसूल हो जाएगा। पर हमारे डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि ये अपने मैंडेट में है क्या, ये कैसा करेंगे, मतलब छोड़ दो। मैंने मुख्यमंत्री को बुलाया, मैंने बोला तेरे को कमाई का धंधा बताता हूँ, तू लगाएगा कैप्सूल लिफ्ट और बना ले ब्रिज, और तुम्हारे स्टेट में इस पैसे से 10 प्रोजेक्ट होंगे। अब हमारे यहाँ पैसा कमाना भी, तो इनको लगता कि ये भी कैसे करना, तो छोड़ो। मैंने उनको दे दिया, अब उनका टेंडर भी निकला, दिलीप बिडकॉन ने लिया और काम भी शुरू हो गया। नीचे में 40 एकड़ जगह है, फूड मॉल है, और वर्ल्ड की सबसे अच्छी ऐसी साइट है कि जहां ऊपर जाकर आप पूरा गोवा देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पैसा भी निकालना पड़ेगा। और नेचुरली अभी ये जो जोजिला टनल बन रही है, तो मैंने मनोज सिन्हा जी को कहा कि ये मटेरियल फेंकने के लिए हमको काफी जगह मिली है वहां, तो मतलब उस जगह पर रिसोर्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स करके एक बढ़िया टूरिज्म की डेस्टिनी बनाई है, और वहां के गरीब युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। पर वो ये जो आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ कुछ बातें, उसको समझाने में समय लगता है। पर कहीं ना कहीं हमें टनल के आजू बाजू में, मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने अभी ये कश्मीर जम्मू से श्रीनगर तक जो बना है, जो ILFS ने टनल बनाई, कौन सा नाम है अपना टनल, जेड़मुर ने चनाली नाशरे, अब उसको एस्केप टनल 2 बनाई है। अब वो एस्केप टनल अभी तक कोई काम नहीं पड़ा, और मुझे लगता मैं जब तक जिंदा हूं, मेरा लड़का जिंदा है, उसके पोते मेरे, तब तक काम नहीं पड़ेगा। अभी प्रिवेंटिव मेजर सिक्योरिटी का सोचना चाहिए। पर 2 एस्केप टनल बनाने के बजाय 2 बड़ी टनल बना दो। ये इतना जो वैसी पड़ी है वो, और कहीं तो भी वर्ल्ड में एक एस्केप टनल का कंसेप्ट आया, बस एक हमारा देश गरीब है, हम इतना पैसा कर रहे हैं, एक टनल बड़ी बनाए, दूसरी बार 2 बनाए लगे तो 2 ट्यूब बनाए। अच्छा, यह ऐसी अनेक जगह पर यह समस्या है कि हमें प्रैक्टिकल सोचना होगा।